हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एक्सेल की है। हर बार की तरह कुछ ना कुछ खास लेके जरूर आता हूं आपके सामने, तो यहां पर भी कुछ खास है। क्या खास है आइए दिखाता हूं। सर मान लीजिए ये जो है ना, ये देख सकते हैं, ये प्रेजेंट और एब्सेंट स्टेटस लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट के नेम है और यहाँ पे इनका स्टेटस दिया है, ये प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये युवराज एब्सेंट है, ये श्याम प्रेजेंट है, ये राम प्रेजेंट है। तो जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे प्रेजेंट का स्टेटस लगा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रेजेंट है वहां पर ऑटोमेटिक ग्रीन आ जाए और जहाँ एब्सेंट है वहां पर रेड आ जाए। तो आप क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे जाते हैं, ये देख सकते हैं ये होम टैब है, और होम टैब के फॉन्ट सेक्शन में आकर के यहाँ नीचे आकर के आप इनको हाईलाइट करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन कर दिया, यहाँ पे भी ग्रीन कर दिया, और फिर यहाँ पर आएंगे तो इसको रेड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रेड करेंगे। तो ये तो जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सा प्रोसीजर हो गया, और ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए, और ये लिस्ट जब काफी लंबी हो जाएगी तब ये कैसे करेंगे आप, तब तो बहुत टाइम लगने वाला है इसके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके सीधा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद न्यू रूल्स पे जाइएगा। और जैसे न्यू रूल्स पे आते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, ठीक है, और यहाँ से आप इक्वल्स टू कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट लिख दिया पी आर ई एस ई एन टी, ठीक है। और यहाँ फॉर्मेट पे आकर के क्या करना है, यहाँ से ग्रीन चूज कर लेना, ये ग्रीन मैंने चूज किया और ओके किया, और यहाँ से भी ओके कर दिया। तो अभी देखेंगे प्रेजेंट वाले सारे ग्रीन हो गए, लेकिन रुकिए अभी एब्सेंट वाला करना बाकी है। तो यहाँ से जाएंगे वापिस और यहाँ पे न्यू रूल्स पे जाएंगे, और न्यू रूल्स पे जाने के बाद फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स पे जाके फिर यहाँ इक्वल करेंगे, इक्वल टू, और फिर यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे एब्सेंट ए बी एस ई एन टी। तो ये हो गया एब्सेंट, और यहाँ से फॉर्मेट पे जाकर के अब कोई भी रेड कलर चूज कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हल्का रेड कलर चूज करेंगे, तो ये अगर आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं यहाँ से, ये फर्स्ट कलर है और ये सेकेंड कलर है। तो यहाँ से जाकर के अगर मैं इस तरीके से कर देता हूँ तो ये देखिएगा ऐसे आएगा कुछ, और यहाँ से ओके कर देता हूँ, और यहाँ से भी ओके करता हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। तो अब इस रेंज में जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एब्सेंट लगा दिया गया है, लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट होते तो यहाँ क्या आता है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जैसे ही चेंज करूंगा, जैसे ई एस ई एन टी प्रेजेंट किया, और जैसे प्रेजेंट करके एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये एब्सेंट थे, जैसे मान लीजिए एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर एब्सेंट होता तो क्या होता, एब्सेंट पे अपने आप रेड हो जाएगा। तो जितनी रेंज आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होते चले जाएंगे, और आपको बार बार एंटर करके यहाँ से चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।